मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अब इन पेड़ों को देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ अपने विलेज में। कोटखाई में तो आजकल ना एप्पल्स में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत व्यू बता थोड़ा बहुत दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत बताऊंगी। और ये देखिए फर्स्ट 5 स्टेजेस कि इस तरह से प्रोडक्शन होती है एप्पल्स की। फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गया एप्पल्स में, तो मैंने सोचा मैं अभी आप लोगों को दिखा दूँ कि किस तरह से पहले पिंक पिंक फ्लावर्स आते हैं एंड देन उसके बाद। माई विलेज विलेज व्यू माई विलेज व्यू आई मीन खेतों का, बगीचों का व्यू कुछ इस तरह से। सीजन से पहले कुछ इस तरह से नेट सब लोगों ने लगवा दिया है बिकॉज यहाँ पे फ्लोरिंग का थोड़ा। एंड हम ना दीदी को छोड़ने जा रहे बस स्टॉप से थोड़ा सा नीचे। दीक्षा दी सीधा सीधा रास्ता है। दीक्षा दी हम इनको छोड़ने जा रहे हैं नीचे तक। मेरी हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो कोई बात नहीं। हम दीदी अब कब ये पता है बहुत टाइम बाद आ रहे हैं मेरे गांव। ये बहुत टाइम बाद आए हैं हमारे घर, गांव वाले घर में। और एक हमने सोचा कि चलो हम लोग नीचे जाते हैं। और क्या से भी ये देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे क्या मतलब घर वालों ने यहाँ पे क्या क्या कुत्ता तो नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ भी है। ये हमारा खेत है ये वाला नीचे वाला। मैं लेट हो जाऊंगी जाती हूँ। नहीं रेस मारो थोड़ा नीचे नहीं चलते। अब दीदी यहाँ से नीचे जाएगी उस रोड में। नीचे आ यार। और दीदी ठंड लग रही है। मन तो नहीं कर रहा पर ठंड इतनी ज्यादा हो गया ना गाइस। गांव में बहुत ज्यादा ठंड है। ये मेरा ही खेत है ये वाला बगीचा मतलब। फोन करके बात मारते चलते फोन करो बाय करो। अब हम पता नहीं सेकंड सैटरडे को मिलेंगे शिमला में। चले जाना भैया आ रहे हैं इनको लेने। तो फिर ये वॉकिंग जा रहे हैं। अगर उस रोड से घूम के आते तो बहुत जाना पड़ता। फिर यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट है ये बगीचे बगीचे पास करने के बाद। बाय बाय। ये दीदी मना करेगी मुझे। बाय 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 बाय। नहीं ऐसा तो कोई नहीं कुछ नहीं है। हाँ तो जैसे कि आपको मैंने बताया फ्लोरिंग ना फिर नहीं दिख रहा है आपको। हाँ लग रहा होना बर्फ गिरी हुई है। ऐसे बात तो यही तो है नीचे तो गए थे ना मैं तो ऐसे ही आ गई थी। और गाइस हाथ इतने ज्यादा ठंडे हो गए हमारे मेरे तो इतने ज्यादा ठंडे हो गए ना। इतनी ठंड है अभी भी गाँव में हाइट्स में हो रही है। उसके साथ साथ हम लोग नेट्स लगवा रहे। ऐसे लगवा तो दिया मैक्सिमम जगह पे। कहीं कहीं रह गया है जहाँ पे नहीं लगाए हैं तो वहाँ पे नेट्स लगा रहे हैं आजकल लोग लोग। एंड बस इतना सा ही। ये ब्लॉग छोटा सा ही होने वाला है क्योंकि हर बार दिखाती हूँ मैं जब भी मैं गांव आती हूँ विलेज आती हूँ अपने तो हर बार ही दिखाती हूँ कि हमारी फ्लोरिंग हो रही है नेट्स लग रहे हैं। तो इस बार ये ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ब्लॉग छोटा सा ही होने वाला है। बाल भी नहीं बनाए थे मैंने ऐसी आती सो के उठ के। ओके तो ये कोई मुझे मिलेगा आज ना तो मैं फिर से उससे पूछूंगी थोड़ा बहुत बताओ कि आजकल क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। एंड हाथ इतने ज़्यादा ठंड हो गया मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं फ़ोन पकड़ूँ हाथ में। घर पे लाइट भी नहीं थी फ़ोन में बैटरी भी नहीं है तो शायद मैं इससे आगे का ब्लॉग बना भी ना पाऊँ। ये गाड़ी नहीं आ रही है स्प्रे कर रहे हैं तो मशीन की आवाज़ है ये। कोई गाड़ी नहीं आ रही है शायद तो गाड़ी थी कोई मशीन की आवाज़ नहीं थी मुझे लगा कि मशीन की आवाज़ है। तो बस ब्लॉग यहीं ख़त्म कर दूंगी। घर पहुंच के मैं बताऊंगी थोड़ा बहुत किचन का व्यू दे दूंगी। मैं घर का व्यू मैं तब दूंगी जब मेरे सब्सक्राइबर 1200 से ज़्यादा हो जाएंगे। और बस ब्लॉग यहीं ख़त्म। का घर ये लोग लगा रहे हैं नीचे और राम कुमारी।
और राम कुमारी कता कंचो नहीं यहीं तक गए थे राम कुमारी आंटी। बस में नहीं गए वो गए गाड़ी में ये लगा रहे हैं नेट्स नेट्स लगाने के लिए इतने सारे लोग हैं दिख नहीं रहा यानी हो सीधा बस स्टैंड जानी हो बट ये फुल है ओ इनो गाड़ी मिली हो गाड़ी इनका घर बन रहा है यहाँ पे वॉकिंग पर हमें गाड़ी मिल गई फिर हम आगे गाड़ी में बस